भले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा से सतना चलने वाली सूत्र सेवा बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, लेकिन रीवा के कुछ मोटर मालिक अपने आप को मुख्यमंत्री से भी ऊपर समझते हैं। उनका कहना है कि इन बसों को चलने नहीं देंगे। एक भाई रीवा में और एक भाई सतना में सूत्र सेवा बसों को परेशान करता है। इनका उद्देश्य यह है कि यदि हम इन बसों को परेशान करेंगे, यात्री परेशान होंगे, तो इसमें यात्रियों को बैठना खुद ही बंद हो जाएगा और बसें घाटे में चलने लगेंगी, शासन की योजना बंद हो जाएगी। इसी योजना में जब सूत्र सेवा न्यू बस स्टैंड से सतना के लिए रवाना हुई तो कृष्णा ट्रांसपोर्ट के मालिक ने बस को रेलवे तिराहा से वापस लौटा दिया। यात्री परेशान होते रहे, लेकिन अपने दो चार गुर्गों को लेकर बस के आगे से हटे नहीं, मजबूरन बस को वापस लौटाना पड़ा। ये घटना बस में लगे कैमरे में भी कैद हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह का कृत्य कृष्णा ट्रांसपोर्ट के संचालक के छोटे भाई के द्वारा सतना में किया गया था। सारे कागजात होते हुए भी बस को जबरन थाने में खड़ा कराया गया था, जहां पर कागजात जांच के बाद बस को छोड़ दिया गया था, लेकिन यात्रियों को खासा परेशान होना पड़ा था। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो शासकीय योजनाओं को प्रभावित करता है उसके खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। आखिर किसी न किसी का दबाव है जिसके चलते शासन की महत्वपूर्ण जन उपयोगी योजना में बाधा उत्पन्न की जा रही है। आप स्वयं देखिए वीडियो, जिससे आप अनुमान लगा लेंगे कि किस तरह से बस संचालकों के द्वारा गुंडागर्दी की जाती है।